आपसी विवाद में देर रात शहरी क्षेत्र के अपर बाजार रघुनंदन लेन में गोलीबारी हुई। आजसू के केंद्रीय सचिव सूरज अग्रवाल ने अपने छोटे भाई चंदन अग्रवाल को गोली मारकर घायल कर दिया। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को रात में ही रिम्स रेफर कर दिया था। घायल चंदन अग्रवाल को कंधे में गोली लगी। सदर थाना पुलिस ने घटना के बाद आरोपी आजसू नेता सूरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात आजसू नेता सूरज अग्रवाल और उसके छोटे भाई चंदन अग्रवाल में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। फिलहाल घायल चंदन अग्रवाल की स्थिति सामान्य बनी हुई है और पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। पुलिस ने आजसू नेता को गिरफ्तार भी कर लिया है और रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है। रात में सदर अस्पताल लोहरदगा में एक मरीज आया था जिसका नाम था चंदन अग्रवाल। वह लोहरदगा का ही रहने वाला था। उसको दो गोलियां लगी थी, एक दाहिने कंधे पर और दूसरा दाहिने हाथ में, अपर आर्म में लगी हुई थी। स्थिति नाजुक नहीं थी, लेकिन पेशेंट को सेफ्टी के लिए यहाँ से रांची रिम्स रेफर किया गया। न्यूज़ बीन के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट।